Hi friends, my name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic is benefit of foreign language. So आज का जो topic है वो बहुत important है कि विदेश की भाषा या बाहर देशों की भाषा जो बाहर देशों में बोली जाती है उस भाषा को सीखने के फ़ायदे क्या हैं. उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं. सो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अब बाहर की जो भाषाएँ हैं वो कौन कौन सी है वो आप जानते हैं. फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़ में भी काफ़ी आती है. मैंड्रिन वगैरह जो ऑफिशियली है वो मैंड्रिन बोली जाती है, और जर्मन की लैंग्वेज है, और किसी भी बाहर का रशियन लैंग्वेज है, काफ़ी सारे को स्पेनिश में, आप स्पेनिश लैंग्वेज अगर आप स्पेन वगैरह में जाना चाहते हैं. सो हर कंट्रीज़ की मोस्टली अपनी लैंग्वेज होती है. सो इन बाहर की जो विदेश में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उनके फ़ायदे क्या हैं, बहुत फ़ायदे हैं. सो अगर आप अरेबिक में अगर मैं बात करूँ, अगर आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप स्पीकिंग अरेबिक बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप एंड्रिन वगैरह का यूज़ करते हैं आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा फॉर अपने करियर में और अपना काम करने के इन्वायरमेंट में. सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं. फ्यूचर में मैं ये बताऊंगा कि आज बेनिफिट कौन कौन से हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और आपको काम करने में कितनी फ्रीडम मिल सकती है. ओके, सिंगापुर की मैं बात करूं कि जैसे सिंगापुर में मोस्टली मैंड्रिन ज़्यादा बोली जाती है. अगर हम कम्युनिटी की बात करें सिंगापुर में 70% चाइनीज़ कम्युनिटी है, 7-8% इंडियन कम्युनिटीज़ है, और जो 12% के आसपास है वो है मलय कम्युनिटी, और जो रेस्ट अदर कंट्रीज से रिलेटेड हैं. सो मोस्टली जो स्पीकिंग बोली जाती है वो इंग्लिश, उसके बाद आती है मैंड्रिन. अब मैंड्रिन अगर आपको आती है, मैंड्रिन चाइनीज़ होती है, अगर आपको ये आती है, अगर आप जापान में जाते हैं जापानीज़ आती है, आपको बेनिफिट मिलता है काम करने. आप किसी भी लो लेवल स्किल लेवल मेडिकल स्किल कहीं भी आप काम सकते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन सेल्स वगैरह में कहीं काम कर सकते हैं. सो बहुत अच्छा फ़ायदा है. अगर आप एग्ज़ाम्पल सिंगापुर आ रहे हैं और आपकी कंपनी में मोस्टली जो चाइनीज़ स्पीकिंग वर्कर हैं और आप अकेले हैं तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर उनको इंग्लिश इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है. सो आपको मैंड्रिन आनी चाहिए, बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी, आप जॉब में स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं वो आपको मिलती है. देखो जैसे अगर मैं बात करूँ अब निहाओमा, देखो मैंड्रिन में भी आपको ऐसा नहीं है कि भी आप 100% आनी चाहिए. जैसे इंग्लिश किसी को 100% नहीं आती, किसी को 20-30-40. सो इसी तरह से मैंड्रिन आपको आनी चाहिए अगर आप सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं और करने वाले हैं. आपको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. कुछ इस तरह से है, मैंने थोड़ी बहुत मैंड्रिन सीखी है, मैं आपको बताऊँगा. आई कैन स्पीक मैंड्रिन, जैसे निहाओमा, निचिपावलिया, मिंदेनियाओ चोकोंगमा, चिंदेनियाओ चोकोंग लेटर आप सीख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से और अपने कुछ बुक से, यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हैं. सो बाहर की भाषा सीखने का बहुत ही बेनिफिट है. मुझे कमेंट्स में बताना आप विदेश की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और उस देश का फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताऊंगा. तो आप बताना कि कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप कहां से सीख रहे हैं, आपकी कैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. सो मुझे इस कमेंट्स में बताना. जैसे सिंगापुर में मैंने मैंड्रिन सीखी है, मुझे मैंड्रिन काफ़ी अच्छी आती है. मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन बोल बहुत अच्छी सकता हूँ. आई कैन कम्युनिकेट विद द चाइनीज़. मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह मैंड्रिन में कैसे दूंगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. अगर आपको देखनी है तो अगली वीडियो देख लेना, इसके बाद आएगी. सो आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है आज के आपके करियर को डेवलप करने के लिए, जॉब स्टेबिलिटी के लिए. आप क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो रहा है, बिल्कुल ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. कि अगर आप आज जापान वगैरह में जाएंगे इंग्लिश आपको आती है, लेकिन आप जापानीज जाते हैं आपको बहुत सडनली रिस्पेक्टफुल वे में देखेंगे, आपके साथ कॉपरेट करेंगे, सब कुछ होगा. इसी तरह से अगर आपको विदेश की लैंग्वेज आती है उस कंट्री की, आप उस कंट्री में जाएंगे आपसे लोग बहुत कॉपरेटिव होंगे. सब बहुत फ़ायदे हैं उसके, और आपका भी एडवांट, आपका एक और स्किल मिलेगी आपको. अगर आप गो बैक योर ऑन कंट्री, अगर इंडिया वगैरह में जाते हैं आपको बहुत, अगर चाइनीज, अगर आप जापानीज आते हैं जापानीज एमएनसी वगैरह में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है. और सबसे बड़ा बेनिफिट है आप अपना खुद इंस्टीट्यूट खोल के उस लैंग्वेज का वो टीचर बन सकते हैं, फ्यूचर में अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है विदेश की जो लैंग्वेज सीखने के लिए. सो मुझे बताना कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं. एक ही लैंग्वेज की मैं रिकमेंड करूँगा एक व्यक्ति को कि उसमें परफेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपका करियर सब कुछ सेट है. ठीक है, सो आप मुझे बताना एंड ये वीडियो कैसी लगी शेयर करना. ठीक है, और मैं बता देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन इन चाइनीज़ में अगली वीडियो में. सो
वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो और वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.